मौसम हुआ सुहावना। एक दो दिन की बात है, बारिश होगी फिर से चालू। मैं हूं आपका साथी सियाराम विश्नोई। आपको अनुज्ञा ये करा दूं कि मैंने पहले भी सूचित किया है मानसून के बारे में। मानसून तो राजस्थान में काफ़ी दिनों से सक्रिय है, फिर भी अभी थोड़ा मानसून ने वो करवटें बदल ली थी। 7-8 दिन हो चुके हैं, बारिश होनी बंद हो गई थी। तो मैं आप सभी को बता दूं कि 15 जुलाई से 18 जुलाई के बीच में पश्चिमी राजस्थान में अच्छी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। ये सभी मामला मौसम विभाग के तहत पूर्वानुमान से बताई जा रही है। और उत्तरी क्षेत्रों में, जैसे भारत के उत्तरी क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इन राज्यों में इस सप्ताह अच्छी बारिश होने की संभावना है। और दक्षिणी भारत के दक्षिणी इलाकों में, जैसे राजस्थान को छोड़कर गुजरात, महाराष्ट्र और तटीय जो भी इलाके हैं, उन क्षेत्रों में अच्छी बारिश होने की संभावना और बाढ़ की स्थिति भी बनी हुई है। कहीं कहीं अच्छी बारिश तो कहीं हल्की बारिश रह सकती है। और अब बात करते हैं, दक्षिणी पश्चिमी शोर की बात हो चुकी है, तो अब दक्षिणी इलाके की बात कर रहे हैं। तो दक्षिणी इलाके में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, इन राज्यों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। मध्य भारत में, जैसे मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में इन सप्ताह अच्छी बारिश, बाढ़ की स्थिति बन सकती है, अच्छी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। और दक्षिणी पूर्व क्षेत्र में, भारत के जो दक्षिणी पूर्व क्षेत्र है, जैसे बिहार, पश्चिमी बंगाल, तटीय इलाका, इन राज्यों में बारिश से भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। पूर्वी क्षेत्र, भारत के पूर्वी क्षेत्र है, उनमें भी अच्छी बारिश होने की संभावना बनी हुई है, जैसे असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, इन राज्यों में पहले की भांति अच्छी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। कई पर बाढ़ की स्थिति भी बनी हुई है। और ये तो आप देखते ही आ रहे हो कि यहाँ अच्छी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। ये सभी आपको सूचना मौसम विभाग के पूर्वानुमान से बताई जा रही है। और अब बात करते हैं पूर्व उत्तरी जो इलाके है, क्षेत्र है, जैसे उत्तर प्रदेश है, सिक्किम है और उत्तराखंड है, इन राज्यों में कुछ इलाकों को छोड़कर, कुछ क्षेत्रों को छोड़कर अच्छी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। ये आपको इस सप्ताह, जैसे 15 जुलाई से लेकर 20-25 जुलाई तक, कहीं अच्छी बारिश तो कहीं हल्की बारिश, कहीं बाढ़ की स्थिति बन सकती है। जबकि पश्चिमी राजस्थान में 15 जुलाई से 18 जुलाई तक अच्छी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। पूर्व राजस्थान में 11 जुलाई से बारिश चालू है और अच्छी बारिश हो रही है, कहीं पर मध्यम तो कहीं पर भारी बारिश हो रही है, ये सूचना मिल रही है। पूर्व राजस्थान के हर जिले में अच्छी बारिश हो रही है। और अब बारी है पश्चिमी राजस्थान के, पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, नागौर, इन जिलों में 15 जुलाई से 18 जुलाई के बीच कहीं पर भारी तो कहीं पर हल्की बारिश होने की संभावना बनी हुई है। और ये अपडेट आपको मौसम विभाग के पूर्वानुमान से बताई जा रही है। अच्छी बारिश होने की संभावना है, किसानों के चेहरे खिल उठेंगे, लेकिन थोड़ी समस्या पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान दोनों में बनी हुई है, जो टिड्डियों को लेकर, टिड्डिया दल हमेशा किसानों को परेशान करती आ रही है और खेत को खाली कर देती है। जितनी भी फसलें बोई हुई है वो चट कर जा रही है। तो इन पर मैं सरकार से
अनुरोध कर रहा हूँ कि कम से कम इन पर लगाम कसी जाए और ग्राम पंचायत कार्यालयों को ये दवाइयाँ उपलब्ध करवा दे ताकि किसान खुद ब खुद अपने टिड्डियों पर छिड़काव करके मार सके। ये इतना तो सरकार को करना चाहिए, अन्यथा मैं तो यही कहूँगा कि जिस किसान का जो भी फसल बोई हुई है और ये टिड्डियाँ चट कर जाएगी तो सरकार को और जो कंपनी बीमा कंपनी है उनको पूरा उचित मुआवजा होगा, वो करना पड़ेगा। और आप इस चैनल को देखते रहिए, एक किसान हित के लिए चैनल बनाया हुआ है, किसान मित्र चैनल, और सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसान मित्र चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक इस चैनल को शेयर करके उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। मैं आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद।